हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वहां से आप जाकर सारी चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी ने जो डिस्प्यूट है उसने चार भागों में बांट दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण से जानना चाहिए। दूसरी बात जो दोस्तों हमें जानना चाहिए कि क्या हमें डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में अपने जो हमारा डिस्प्यूट है उसे लेकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्लास टेंथ वाले बच्चों का डिस्प्यूट कब सेटल होगा या कब नहीं होगा। और चौथा जो हमें दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि क्या डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी जो है वो साफ साफ ये दिखा रही है कि यदि आप डिस्प्यूट संबंधित चीज़ें हमसे बताएंगे तो हम आपका नंबर काटने वाले 100%, जो मुझे लगा दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन को पढ़कर। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम बात को क्लियर करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसे स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों इसे लाइक कर दो और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने कहा कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है डिस्प्यूट को चार भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहला भाग क्या है डिस्प्यूट का दोस्तों, इसमें टाइप वन क्या है। टाइप वन जो डिस्प्यूट है उन्होंने कहा कि टाइप वन ये हो सकता है कि जैसे हमें सभी को पता है कि सीबीएसई द्वारा क्लास ट्वेल्थ का जो रिजल्ट तैयार किया गया है वो क्लास टेंथ, क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बेस के आधार पर तैयार किया गया, जिसमें क्लास ट्वेल्थ के 40% मार्क्स लिए गए हैं, क्लास इलेवेंथ के 30% और क्लास टेंथ के 30%, जो पांच सब्जेक्ट उसके मेन टॉप बेस जो मार्क्स के हैं थ्री सब्जेक्ट्स के उसके 30% को इसमें शामिल किया गया है। अगर किसी विद्यार्थी को इससे संबंधित कोई परेशानी है या इससे संबंधित कोई प्रश्न है कि हाँ भाई हम इससे असहमत हैं, तो वो भी ये डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में अपना विरोध जता सकता है इसको लेकर। ये टाइप वन डिस्प्यूट है, राइट, यानी जो 30, 40 और 30 का जो क्राइटेरिया है उसको लेकर। अब डिस्प्यूट नंबर टू यानी टाइप टू क्या है दोस्तों, टाइप टू क्या है। टाइप टू ये है कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करने के बाद जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है, सहमत नहीं है, तो भी आप अपनी असहमति इस डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी से जाहिर कर सकते हैं, अपना डिस्प्यूट बता सकते हैं। ये इसे हम टाइप टू दिया गया है, सीबीएसई द्वारा टाइप टू डिस्प्यूट दिया गया है। क्लियर होगा टाइप टू क्या है दोस्तों। टाइप थर्ड यानी व्हाट आर टाइप थ्री क्या है, टाइप थ्री डिस्प्यूट्स क्या है दोस्तों, टाइप टू थ्री डिस्प्यूट्स क्या है। डिस्प्यूट्स कमेटी ने जो रिजल्ट तैयार करी थी उसने रिजल्ट तैयार किया और रिजल्ट तैयार करने के बाद जब उसे अपलोडिंग करने के लिए ले गए तो अपलोडिंग के दौरान भी कुछ गलतियाँ हुई। सीबीएसई ने कहा कि भाई हो सकता है कि अपलोडिंग के दौरान गलतियाँ हुई हों, मैनुअल फॉल्ट हुआ हो या फैक्चुअल मिस्टेक हुई हो। अगर इससे संबंधित कोई आपकी शिकायत हो तो भी आप डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह है टाइप थर्ड। और टाइप फोर्थ की अगर हम बात करें दोस्तों, टाइप फोर्थ क्या है, व्हाट आर टाइप फोर डिस्प्यूट। टाइप फोर डिस्प्यूट सीधा सीबीएसई ने कहा है कि द पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाइल दिस ऑर्डर डेटेड रिजल्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ऑल द रिजल्ट कमेटी इन द कंपाइलेशन ऑफ द अप्रूव्ड टेबुलेशन पॉलिसी। तो अगर आपके इस कमेटी से संबंधित कोई शिकायत है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सहमति जताई थी कि हाँ भाई आप इस कमेटी के आधार पर क्लास ट्वेल्थ का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, तो ये इसे कहा गया है टाइप फोर। तो टाइप चार प्रकार के जो डिस्प्यूट है उसे फोर टाइप में सीबीएसई ने बांटा है। अब दोस्तों यहाँ पर चीज़ें जो हैं कि ठीक है, अगर आप डिस्प्यूट्स हैं आपके मन में, अगर आप असहमत हैं तो आप कैसे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। तो दोस्तों मैंने आप सभी से पहले ही कहा था, या डायरेक्ट आप जाकर अपने रीजनल ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं या स्कूल के प्रिंसिपल से कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने डिस्प्यूट है इस चारों चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ में, तो सबसे पहले आपको अपने प्रिंसिपल्स के पास जाना होगा, वहाँ उन्हें वो सारी चीज़ें बतानी होगी, विद प्रूफ बताना होगा, विद डेटा के साथ बताना होगा। उसके बाद वो प्रिंसिपल जो है आपके सारे चीज़ लिखित मिलेगा और उसका डेटा वो भेज देगा और वो ऑनलाइन भी उसके पास रहेगा और ऑफलाइन भी फर्दर डिटेल्स के लिए, फर्दर कभी चीज़ों के लिए वो उसके पास सुरक्षित रहेंगे। अब ये आपने भेज दिया, इसके बाद दो चीज़ें रहेंगी, या तो आपके नंबर बढ़ेंगे या तो घटेंगे। यानी इसमें सीबीएसई ने कहा कि या दो टाइप हो सकता है, अगर आपने डिस्प्यूट क्रिएट किया है तो या तो डिस्प्यूट सही पाया गया जाएगी, इसमें कोई गलती नहीं रहेगी, या उसमें कोई गलती रहेगी। मान लेते हैं कि सीबीएसई ने जो आपको नंबर दिया, स्कूल ने जो नंबर दिया है वो इस डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी ने का पाया कि भाई जो नंबर दिया गया वो बिल्कुल सही है, तो ऐसी स्थिति में वो सारी सूचना आपको और आपके स्कूल द्वारा प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है, कि हाँ भाई आपके जो नंबर उतने ही रहेंगे, इसमें कोई ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, क्योंकि बिल्कुल इतना ही आपको नंबर मिलेगा। ये एक चीज़ है। दूसरा, यदि आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है, अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी ने पाया कि हाँ भाई आपके जो नंबर उसमें
मैनिपुलेट किया गया, उसको कम किया गया है, तो ऐसे में आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। बट कब बढ़ाए जाएंगे उसको लेकर सीबीएसई ने भी कुछ भी नहीं कहा है। तो ये भी डायरेक्ट आपको नहीं पता चलेगा, आपके पास स्कूल में जाएगा, स्कूल आप स्कूल में जाने के बाद क्या होगा, आपके फर्दर सारी डिटेल निकाली जाएगी, यानी जितनी भी जांचबीन या जितनी भी छानबीन है दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया सीबीएसई ने, मैंने कहा कि डराने की कोशिश की पूरी पूरा, यानी स्ट्रिक्टली इन द लाइट ऑफ पॉलिसी, यानी पॉलिसी जो मेक बनाएगी उसी पॉलिसी के आधार पर वो सारी चीज़ें जान ले जाएंगे, और वही लोग चेक करेंगे जिसने आपका रिजल्ट तैयार किया, यानी कोई दूसरी कमेटी नहीं बनाई जाएगी, उसी कमेटी को ही ये काम सौंपा जाएगा जिसने आपका रिजल्ट तैयार किया है। इस तरह दोस्तों ये मेरे समझ में जो आ रहा है कि आप जो अगर हम डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो इसमें दोस्तों नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये सीबीएसई ने खुद कहने की कोशिश की कि ताकि जो बच्चे डर जाएं और वो हम तक अपनी शिकायत ना पहुंचाएं, एक तरह का ये मुझे समझ में आ रहा है जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अब ये आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वो जाननी चाहिए जो हमें जानना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक आके सबसे पहले जो डिस्प्यूट किसका सोल्व किया जाएगा, क्लास ट्वेल्थ वालों को सोल्व किया जाएगा। ध्यान रखना, सबसे पहले डिस्प्यूट किसका किया जाएगा, वो क्लास ट्वेल्थ वालों को सोल्व किया जाएगा। उसके बाद जो है वो सोल्व किया जाएगा क्लास टेंथ का, पहले इसका रिजल्ट हो जाएगा ट्वेल्थ वालों का, देन बारी आएगी क्लास टेंथ की। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण आपको बात में ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो सीबीएसई ने अपने यहाँ पर दिया है फर्दर नोटिस में, उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं, यानी उन्होंने कहा कि इट मे बी नोटेड दैट द स्टूडेंट आर नॉट एट एट द लिबर्टी टू चैलेंज द मेथड ऑफ कंपटीशन ऑफ मार्क्स यूज बाय द रिजल्ट कमेटी, यानी हम स्वतंत्र नहीं, विद्यार्थी स्वतंत्र नहीं है कि वो चैलेंज कर सके, आप अकेले स्वतंत्र चैलेंज नहीं कर सकते, आपको अपने स्कूल के थ्रू अपने रीजनल ऑफिस के थ्रू चैलेंज करना पड़ेगा, ये सीबीएसई ने कह दिया है। और यहाँ जो चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है इस नोटिफिकेशन में दोस्तों, वो है आपका दोस्तों पॉइंट नंबर नाइन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखनी चाहिए। स्टूडेंट्स हु विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी शुड अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। उन्होंने कह दिया कि डायरेक्ट कह दिया भाई आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और किसी भी और इंस्टीट्यूट में अगर आप क्लास ट्वेल्थ के हैं तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन लेना अभी होगा। यानी आपका अगर मान लेते हैं कि हम डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के चक्कर में रह गए तो इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी कोई भी वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो कहते हैं ना सवारी जो है अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी, हमें जिम्मेदार ठहरा दिया गया और सीबीएसई ने अपने आप को पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। तो आप अपने रिस्क पर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को अपनी जांच भेजेंगे, जांच में टाइम लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है इसको लेकर सीबीएसई ने कुछ भी नहीं कहा है, बस टाइम दे दे कि हाँ यहाँ तक जांच किया जा सकता है। और अगर रिजल्ट आपकी देरी होती है और रिजल्ट नहीं हो, अगर मार्क्स सॉरी एडमिशन नहीं हो पाते किसी यूनिवर्सिटी में तो ना तो स्कूल वाली जिम्मेदारी होगी और ना ही सीबीएसई की जिम्मेदारी होगी, सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है। इसी तरह दोस्तों सीबीएसई ने कहा कि प्राइवेट एज यूजल जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, जो कंपार्टमेंट वाले हैं, जो ईआर वाले हैं, जो री एग्जाम वाले हैं, सभी के लिए कहा कि भाई आप लोग जिम्मेदार हैं, अगर आपके एडमिशन का टाइम निकल गया है तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम तैयार हैं आपकी शिकायत सुनने के लिए, हम आपकी शिकायत पर काम करेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं साफ साफ सीबीएसई ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया, या आप कह सकते हैं सीबीएसई खुद नहीं चाहती कि बच्चे जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में अपनी शिकायत भेजे, क्योंकि यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है। बट मैं आपको डेट बता देता हूँ कि कहाँ तक आप शिकायत कर सकते हैं। आपको टाइप वन से संबंधित शिकायत है तो इसकी डेट जो 9 तारीख कल से स्टार्ट है और 11 तारीख तक खत्म हो जाएगी, यानी 2 दिन में आपको अपनी शिकायत जो स्कूल के पास करनी होगी और रीजनल ऑफिस में करना होगा, और इस पर काम करना कब शुरू किया जाएगा दोस्तों 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक। ठीक है, ये टाइप वन की है। टाइप टू की बात करें तो इसमें 11 तारीख से स्टार्ट होगा, 14 तारीख लास्ट डेट होगी, यानी 11 तारीख से आप भर सकते हैं, और इस पर प्रोसेसिंग बाय द रिजल्ट कमेटी कब से काम करेगी, 12 से काम करेगी और 16 तक काम करती रहेगी, और रिजल्ट अभी कब आएगा पता नहीं बताया गया। टाइप थ्री है, टाइप थ्री जो स्टार्ट होगा 10 तारीख से होगा और इसका एंड टाइम 12 अगस्त होगा, और प्रोसेसिंग बाय द रिजल्ट कमेटी करेगी, इसमें स्टार्ट जो होगा दोस्तों 11 तारीख से और खत्म होगा 14 अगस्त को। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए पूरा दोस्तों पूरा जो है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का कैक्स है, आप कैसा एक समरी है जो इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये रही हैं। अब हमें डिसाइड करना है क्या कि हमें अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी तक अपनी शिकायत लेकर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। दोस्तों मेरी अगर पर्सनल राय मानो तो दोस्तों आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी बनाई इसलिए गई कि वो आपकी गलती निकालेगी, ना कि सीबीएसई गलती निकाल, ना ही स्कूल वाले गलती निकालेगी, क्योंकि हमेशा देखने में ही आया कि जो टीचर्स होते हैं, जो संस्थान होती है, वो अपनी गलती कभी निकाल ही नहीं सकती, और
हमारी गलती एंड में किसी न किसी प्रकार से दे दी जाएगी, चाहे आपके क्लास अटेंडेंस को लेकर बोली जाए, चाहे आपके असाइनमेंट को लेकर बोली जाए, इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं आपको कुल मिलाकर हमारी गलती निकाल दी जाएगी और सीबीएसई और स्कूल अपने आप साफ साफ बच जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, बट मेरी पर्सनल राय कि आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि भाई हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाएंगे और वही कमेटी बनाएगी जो कमेटी पहले से थी। तो अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार तो आप दोस्तों एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छी तैयारी कीजिए। और डर तो है क्योंकि लग रहा है इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, पर दोस्तों जो डर आपको डरा रहा है उसके बाद जो डर आने वाला उससे भी ज़्यादा आपको डराएगा। तो डर से डरते रहेंगे तो फिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। आपको अपने आप को तैयार करना है और लग जाए दोस्तों तैयारी जी जान से, है ना। वो कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी आपको पूरा तोड़ना है। अब नहीं तो दोस्तों यही होगा कि हम अपने चीज़ों को स्वीकार कर लें या जितना नंबर उतना नंबर लेके बैठ जाएं, या अपने अधिकार के लिए आगे मांग करें, लड़ाई करें, क्योंकि जनसंख्या कम है तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आपको सीबीएसई के नोटिफिकेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर यही बहुत लोग साथ में आते, मिलजुल कर काम करते, तो हो सकता है सीबीएसई कुछ ना कुछ अच्छा हाल निकाल लेती, लेकिन सीबीएसई खुद नहीं चाहता ऐसा कार्य करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना था मुझे, बस मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों से इसे पहुँचाएँ, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। यदि आपको अगर यदि आप आर्ट साइंस से, यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी आपके पास है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर वो सारी वीडियो अवेलेबल होगी। जल्द ही हम आपके लिए लाएंगे कि 10 दिन में हम कैसे अपने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।